हेलो गाइस, दिस इज यासर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आज सीनियर्स के लिए होने वाली है। कोर स्ट्रेंथ के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, बढ़ती हुई एज के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के ये रूटीन को फॉलो करते हो, जो कि मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, तो आप लोगों का कोर स्ट्रेंथन होगा और आप लोग ईजिली हर काम को आराम से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि हम जो भी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं हमारा कोर उसे हेल्प कर रहा होता है। किसी चीज़ को हमें लिफ्ट करना है, किसी चीज़ को हमें पुश करना है, यह हमारे बैलेंस के लिए हमारा कोर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप लोगों का कोर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कोर आपका स्ट्रांग होगा, तो आप लोग ये सारी एक्सरसाइजेस को सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाओगे डेली रूटीन में। तो ये एक्सरसाइजेस सीनियर्स के लिए बेस्ट रहने वाली है। डेली अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोगों ने ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में आप लोगों को जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ सिंपल एंड ईजी एक्सरसाइजेज हैं, खासतौर पर सीनियर्स के लिए जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और वो हेवी एक्सरसाइजेस या फिर कोई कोर की ऐसी एक्सरसाइज जो कि हार्ड है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो ये एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। लेग्स आप लोगों ने ऊपर करनी है कुछ इस तरह, एल शेप में आप लोगों ने लेग्स रखनी है। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है आपको मैट पर, राइट लेग स्ट्रेट होगी, सारा प्रेशर आपके कोर पर आएगा, अपनी जगह पर आ जाएगी राइट लेग, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। ओके, अब इसी एक्सरसाइज को आप लोगों ने फास्ट फास्ट परफॉर्म करना है और हो सके तो आप लोगों ने हर लेग से 20 रैप्स को परफॉर्म करना है। मतलब अगर आप लोग ऑल्टरनेट काउंट करते हैं तो 40 रैप्स आप लोगों ने करने होंगे। अब जिसकी एज ज़्यादा है वो कुछ ही रैप में थक जाएंगे, तो इस तरह नीचे अपने फुट रखें, फ्लोर पे रेस्ट करें, अगेन स्टार्ट करें। अब इसी एक्सरसाइज को थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाना है तो हम हेड अप कर लेते हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होगी, आज मैं एक्सरसाइज सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, आराम आराम से इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। अगर आप लोग 2 से 3 सेट करते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा अपने कोर पर, और डेली आप लोग ये जब एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप लोगों का कोर स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। जस्ट आप लोगों ने लेग्स को स्ट्रेट करना है एंड बैंड करना है अपनी जगह पर। तो इस एक्सरसाइज को 3 टाइम्स 4 टाइम्स परफॉर्म करें। हर सेट में आप लोगों ने 20 to 30 रैप्स करने हैं, और ये एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप लोग बैठ जाएं मैट पर, थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर स्टार्ट करें अपनी सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो जिस तरह हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की, सेम इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करेंगे, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अभी हमने सिर्फ लेग्स को मूव किया था, अब हमने आर्म्स को भी स्ट्रेट करना है, और जब हमारी राइट लेग स्ट्रेट होगी तो इसके साथ हमारा लेफ्ट आर्म भी ऊपर जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे तो हमारा राइट आर्म स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने ऑल्टरनेट परफॉर्म करना है। ये थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट है और इससे आपके कोर पर और ज़्यादा प्रेशर आता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमने लेग्स को मूव किया था, अब सेकेंड एक्सरसाइज में हम आर्म्स को भी कुछ इसी तरीके से मूव करेंगे जिस तरह हमारी लेग्स स्ट्रेट और बैंड हो रही है। देखने में आप लोगों को बहुत इजी लग रही होगी ये एक्सरसाइज, लेकिन जब आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है आप लोगों के कोर के लिए। तो चलें अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ऑलराइट गाइस, थर्ड एक्सरसाइज भी मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज के से मिलती जुलती है, अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या करना होगा। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में अपनी लेग्स को स्ट्रेट किया था, इस एक्सरसाइज में हमारी लेग्स स्ट्रेट नहीं होगी, जस्ट इस तरीके से मूव होगी जिस तरह हम साइकिलिंग करते हैं। ये थोड़ी सी और डिफिकल्ट है हमारी फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज के साथ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके कोर के लिए। आप लोग एक बार जब करके देखेंगे आप लोगों को अंदाज़ा होगा, इस तरह देखने में आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 30 सेकेंड्स परफॉर्म करें इस एक्सरसाइज को। अगर किसी से 30 सेकेंड्स नहीं हो पाती तो वो स्टार्ट करें 10 सेकेंड्स से, और डेली अगर आप लोग ये परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों की कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आप लोगों का कोर भी स्ट्रांग होगा, और आप लोग इन एक्सरसाइज को और ज़्यादा लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये थी हमारी 3 एक्सरसाइजेस। अब मैं चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। बॉल लेनी है, बॉल नहीं है तो कोई भी घर में बॉटल होगी, बॉटल ले लें। किसी भी चीज़ को आप लोगों ने जस्ट होल्ड करना है अपने हाथों में, होल्ड करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट करना है और इस तरीके से स्लो स्लो मूव करना है। ये आप लोग एक्सरसाइज सिटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं, किसी चेयर के ऊपर बैठ जाएं, चेयर के ऊपर बैठ के भी ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा सकता है।
और स्टैंडिंग पोजीशन में भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म हो सकती है। जस्ट इतनी सी मूवमेंट है, 15 सेकेंड्स ऑन रहेगी एक्सरसाइज। जैसे ही 15 सेकेंड्स आप लोग के कंप्लीट होते हैं तो आप लोग रेस्ट करोगे। 10 सेकेंड रेस्ट के बाद दोबारा यही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो ये है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। चले अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। करते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों ने कुछ इस पोजिशन में आ जाना है और अपनी पहले राइट लेग से अगर आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले अपनी राइट लेग को स्ट्रेट करें। अब आप लोगों ने स्लो स्लो ऊपर लेके जाना है, होल्ड करना है 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड बैंड। और फिर अपनी लेफ्ट लेग स्ट्रेट करनी है, अप 3 सेकेंड्स होल्ड, 3, 2, 1 एंड बैंड। इसी तरह ऑल्टरनेट हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, 3, 2, 1 एंड बैंड, स्ट्रेट अप, 3, 2, 1 एंड बैंड, स्ट्रेट अप, 3, 2, 1 एंड बैंड। और इसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपनी लेग को स्ट्रेट करेंगे और इसके साथ अपने आर्म को स्ट्रेट कर देंगे। और अब आप लोगों ने बैलेंस करना है और 3 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। सारा प्रेशर आपके कोर पर है। 3, 2, 1 ओके स्विच, 3, 2, 1 अगेन, 3, 2 एंड 1। ये आप लोगों के बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर सीनियर्स इसे परफॉर्म करते हैं तो उनसे इस एक्सरसाइज से उनका बैलेंस भी अच्छा होगा और कोर भी स्ट्रांग होगा। सेम इसके भी लास्ट एक्सरसाइज की तरह 15 सेकेंड्स तक इसे परफॉर्म करना है और 3 से 4 सेट इन एक्सरसाइज के आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। तो ये थी कुछ 4 से 5 एक्सरसाइजेस। आई होप आप लोग, अगर आप लोग की एज ज़्यादा है जो वीडियो मेरे ये सीनियर्स देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये 3 से 4 एक्सरसाइज, इसमें आप लोग कुछ एक्सरसाइज को, 2 से 3 एक्सरसाइज को चूज़ कर सकते हो। और अर्ली मॉर्निंग उठ के इन एक्सरसाइज को अगर आप लोग परफॉर्म करते हो तो आप लोगों का कोर कुछ ही टाइम में, 2 से 3 वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आप लोगों को डेली रूटीन में जो कि आप लोग एक्टिविटीज़ करते हो तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्सरसाइज में लाजमी आप लोगों को रहना चाहिए। और ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं और कोई भी इसे ईजीली परफॉर्म कर सकता है, भले उसका वेट ज़्यादा है, वेट कम है, एज ज़्यादा है या कम है, कोई भी ईजीली इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली इसे अर्ली मॉर्निंग उठकर करें, और अगर आप लोग डेली इसे परफॉर्म करते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी करें लाइक। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।